नमस्कार, मैं जगवीर सिंह बिजनेस कोच। आज का नया बिजनेस आइडिया ये है कि आप एक जिंगल आर्टिस्ट बनिए। जिंगल आर्टिस्ट बनना एक बहुत ही शानदार चीज है, आप इसको घर पर बैठकर कर सकते हो। दूसरी चीज ये, आप ना इसको करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं देना है, बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है, थोड़ा सा आपको कुछ नया करने में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रखनी है, कुछ नया करना है, कुछ नया लिखना है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो वाकई में हिस्ट्री को बदले। जैसे कि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जिंगल आर्टिस्ट किन्हें कहते हैं। चार बूंदों वाला आया नया उजाला, तो ये क्या है? ये एक जिंगल है। इसको किसी ने तो क्रिएट किया होगा, और जिस किसी ने भी क्रिएट किया होगा ना, उसको एक बहुत ही अच्छी रॉयल्टी इनकम जाती होगी आज भी। अगर रॉयल्टी इनकम नहीं है तो उन्होंने जो है उस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से चार्ज किया होगा। मैं और आपको कई सारे जिंगल बताता हूँ। हेमा रेखा जया एंड सुषमा सबकी पसंद निर्मा, ये क्या है? ये भी एक जिंगल है जिसमें कि पूरा एंड टू एंड दोनों एक अच्छी राइमिंग बनती है, और जब राइमिंग बनती है तो लोगों की जुबान पर आती है, वो लोगों की जुबान पर अच्छी तरीके से चढ़ जाती है। अब मैं जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पेप्सी क्यों पी रहे हो? ये दिल मांगे मोर। क्यों पी रहे हो? ये दिल मांगे मोर। अरे क्यों पी रहे हो बताओ तो सही, ये दिल मांगे मोर। क्या है ये एक ऐसा जिंगल है कि लोगों की जुबान पर आ गया। जब भी कोई पेप्सी खरीदने जाता था उस समय पर, तो वो पूछते थे ना, क्यों पी रहे हो? अरे ये दिल मांगे मोर। अरे भैया पैसे नहीं है, खाते में लिख लेना, लेकिन पेप्सी मेरे को दे दो। क्यों? क्योंकि ये दिल मांगे मोर। ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो, आप जिंगल इजीली बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी नॉलेज रखिए, थोड़ी सी कुछ ऐसा करिए कि कुछ यूनिक करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागे, कुछ नया करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागे, कुछ क्रिएट करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जागे। जब ये क्यूरियोसिटी जागेगी तो आप एक नए नए जिंगल्स को बनाओगे, और जब जिंगल बनाओगे ना तो एक अच्छी इनकम आपकी जनरेट होगी, कुछ रॉयल्टी इनकम आपकी जनरेट होगी, कुछ ऐसा होगा कि जो आपको एक्चुअल में चाहिए था। जब आपको वो मिल जाएगा ना जो आपको एक्चुअल में चाहिए था, जब ही तो जीने में मजा आएगा। जिंगल आर्टिस्ट जरूर बनिए, इसको बनने में ज्यादा मेहनत नहीं, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैंने आपको आइडिया दिया है उसको जरूर ब्रेनस्टॉर्म करिए, हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों से जबरदस्ती सब्सक्राइब कराइए। और मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, अब तक हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से बताते रहिए।